मैं तो ये कहता हूँ अगर लाइफ में कभी मौका मिले मेरे को सुमित बात्रा से डिबेट करनी है फेस टू फेस। मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा एक भी परसेंट, मेरे को एक भी परसेंट कोई काम बताओ जो मोदी काम सरकार ने अच्छा किया। बुरा क्या किया? बुरा अच्छा क्या किया है? बुरा तो नहीं किया, अच्छा क्या किया? 5 साल ली है, संपूर्ण बहुमत की सरकार थी, एक तरफा सरकार थी, उस सरकार के बाद इतना भी कुछ भी ऐसा नहीं किया उसने कि जिसको उसको राइट किया जाए, ठीक है ना। एक माइंड कैप्रिचिंग माइंड को हैंड ओवर जरूर किया उन्होंने लोगों के, मोदी जी ने भाषण के जरिए, ठीक है जी। उज्ज्वला योजना उसका कोई फायदा नहीं है, जनधन योजना उसका कोई फायदा नहीं है, गैस वाले सिलेंडर दिए आप तो घर में गैस नहीं हो। सुमित पात्रा भी गए थे, ठीक है, उसके घर में जाके वो चूल्हे पे रोटी बना रही, सुमित पात्रा रोटी खा रहा, उनके घर तक तो वो दिए नहीं उन्हें सिलेंडर, उनके घर में बैठ के रोटी खा रहे हैं, फिर कहते हैं हमने गरीबों को सिलेंडर बांट दिए। किस जगह से अच्छी है? परसेंटेज इकोनॉमी देख लो इंडिया की, गिरी है, बढ़ी नहीं है, ठीक है ना। और 66,000 करोड़ रुपया विदेश यात्रा पे ख़त्म हुआ है, 66,000 करोड़ के अंदर हमारे इंडिया में क्या नहीं होती, कितने शहर विकसित स्मार्ट सिटी नहीं बन सकते थे, क्या बना? कुछ नहीं, सिर्फ विदेश यात्रा की है, कोई कंपनियां लेके आए हैं मोबाइल की, 120 कंपनियां ले आकर रख दी, पहले कहते 2 थी 4 थी 5 थी, क्या लोगों से मोबाइल से पेट भरेगा? खर्चा है अंदानी अंबानी को दे रहे हैं, आज सिस्टम हैक कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया सर, ऑनलाइन का एक बेनिफिट भी है तो लॉस भी है ऑनलाइन का, आप जिस मर्जी की जो मर्जी आईडी हैक कर सकते हो, ये सब मोदी की देन है। ये सब क्यों हो रहा है? मोदी है, मोदी की रफेल की जो फाइल चोरी करी, मोदी था चौकीदार था तभी चोरी हुई, मोदी है तो मुमकिन है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है ना। कोई भी आ जाए कहीं भी जाए इलेक्शन जाएगा, एक प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बंदे नु प्रचार करना चाहिए, एक किसी की भी छवि पे आप बोल नहीं सकते, आप प्राइम मिनिस्टर हो, इससे ऊपर क्या बनोगे? वो किसी भी बोलता, पप्पू बोलता है, पिंको को बोलता है, कभी किसी को बोलता है, कभी किसी को बोलता है, छीटा कसी करता है, उसको मुँह को शोभा नहीं देती। एक बंदा मेरे को बोल दे इस बंदे को ये चीज़ शोभा देती है तो मैं मान जाऊँगा कि बंदा सही कह रहा है, एक ही बंदा नहीं, मोदी जो आए मुँह बोल देता है, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, ऑल वर्ल्ड में बात जाती है, आप एक छीटा कसी कर रहे हो, फिर सेना के पीछे वोट मांग रहे हैं, सेना के पीछे राइट बनता है वोट मांगने का, ठीक है आपका, ठीक है उन्होंने कुछ किया है, आपने स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक किया, सबूत नहीं दोगे आप? अगर कोई मांगेगा अंधेरे में आपने क्या किया, रात में क्या किया, उसका सबूत कौन देगा? हमारे 44 शहीदों की एक एक की लाश घर में आई है, हजारों बंदे उसकी शहीदत में शामिल हुए हैं, मोदी ने उनकी एक की फ़ोटो दिखाई है, कौन सा आतंकवादी मरा है? कोई सबूत दिए? कहते सर्जिकल कर दिया, अरे बातों में सर्जिकल कर दिया, मैं नहीं चाहता, सबसे रोंग है। अरे गठबंधन मायावती अखिलेश का नंबर वन आएगा और वहाँ से इसका बंडाधार होएगा, पश्चिम बंगाल में इसको 2 सीटें आई थी पिछले बारी, अब तक आंकड़ा नहीं खुला था, उसके बाद इसे 2 से ज़्यादा 4 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जाती, आंकड़ा कहाँ से लेके आएगा? 282 का आंकड़ा भी तो होना चाहिए ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, पंजाब से आएगा, पंजाब में भी सीटें नहीं आ रही, एक आ जाए 2 आ जाए 10 सीटें वैसे ही चल जाएंगी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की, ठीक है ना जी। हरियाणा में नहीं आती, 5 ले जाएगा 5 नहीं आएगी, आंकड़ा कहाँ से पूरा करेगा? केरल से करेगा, केरल में तो वैसे कांग्रेस आ रही है, कहाँ से करेगा? असम से करेगा, नहीं होएगा। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बता तो रहो, अजीत घर में सिलेंडर नहीं है, वहाँ सुमित पात्रा चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, उससे पर क्या करेंगे गरीबों के लिए? वो कह रहा है हमने सिलेंडर बांटे हैं, कहाँ बांटे हैं सिलेंडर? दिखा रहा हूँ आप, ऑनलाइन वीडियो है, 2 वीडियो अपलोड करी है सुमित पात्रा ने, वो चूल्हा जल रहा है उससे रोटी खा रहा है, उनको भी खिला रहा है, ठीक है। संसद बनने के लिए, संसद का इलेक्शन लड़ने के लोग करके संसद बनने के लिए सुमित पात्रा जी समझे नहीं, माइंड हैकिंग कर रहा है, सिर्फ माइंड हैक, बंदे का माइंड कैप्चर कर रहा है, धरती लेवल पे कोई नहीं है। बताओ ना कौन से भाजपा के एक भी मेरे को नेता दिखा दो जिन्हें नोटबंदी में जाके अपने नोट चेंज कराए हो। मोदी जी ने अपनी माँ खड़ा दी है, 70 साल की, 90 साल की, 95 साल की, कितने की थी जो भी हो, वो जाके लाइन में लग रही है, एक भी भाजपा का नेता तो दिखाओ मेरे को। हरेक के पास भी ब्लैक मनी नहीं है, जो इतनी आप न्यूज़ वाले हो, कोई भी न्यूज़ एंकर लगा ले, सब खरीदे हुए हैं, सारे मोदी की भाषा बोलते हैं, उनको फ्लैट दिए गए, गाड़ी दिए गया, पैसा दिया हुआ है। वो एक आता अमित देवगन, जब भी आता दूसरे को बोल नहीं देता, सिर्फ सुमित पात्रा बोले या कोई भी भाजपा का प्रवक्ता बोले, सुमित पात्रा कभी बोलने नहीं देता, ठीक है। रवीश है बेस्ट पत्रकार एंकर है, उसको बोलने के लिए जब 2 साल से मोदी जी ना भाजपा प्रवक्ता कोई भी आज तक उसके शो में नहीं आया, क्यों? वो सच पूछेगा, सच का जवाब नहीं है। राफेल की फाइल चोरी होगी, फिर है ना चोर, चौकीदार ही चोर है, बंदा सोचता है कि भाई चौकीदार चोर नहीं है, ठीक है ना, बंदा सोचता है। एक चौकीदार को पूछो अभी नौकरी पे लग रहा होगा, उसको 8,000 रुपये साल दीजिए, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, उसके बाद एक छुट्टी लेने के लिए भी छुट्टी नहीं देंगे, जो उसने छुट्टी भी कर ली तो कट जाएगी, वर्दी के उसकी एक वर्दी दे देंगे उसको, वो वर्दी को धोने के लिए उसका टाइम नहीं लगता। मोदी सरकार कहते हैं जी मैं चौकीदार हूँ, मोदी है तो ये मुमकिन है,
अरे पहले चौकीदार को ही सुधार दे, एक तबका तो उठा, इन्हें सौ गांव गोद में लिए थे, कहना जी हमारे नेताजी मोदी जी ने गोद में ले लिए सौ गांव, एक गांव को भी स्मार्ट सिटी बनाया बनाया नहीं बनाया, क्या किया है, योजना चला दी कागजी योजना चला दिया, धरती लेवल से बताओ, अब यहाँ लगा लो 10,000 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ की रेल लगा दे, चंडीगढ़ चंडीगढ़ स्मार्ट नहीं है, इसको और कितना स्मार्ट बनाएगा भैया, 10,000 20,000 बंदों का रोजगार पर लात मार के तू स्मार्ट सिटी बना रहा है, ठीक है, मूर्ख लोग फिर भी कहते हैं नहीं जी ये तो होना चाहिए, अरे तुम होना चाहिए, तुम बिहार में रहो ना, फिर यहाँ क्यों आ रहे हो, आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं? मैं बिल्कुल ऑटो चलाता हूँ। दे सकते हो दर्शकों, ये एक जो शख्स साडे नाल मोदी सरकार दे गए, जिवें आप उन्होंने मतलब स्पष्ट देख सकते भी किन्ना अक चुका मोदी सरकार तो, किन्ने किन्ने एक ऑटो वाले ने किन्ने तत्थ तुहाडे सामने पेश किए ने, यह तो आप अंदाजा ला सकते हैं पिछले 5 सालों के की होया, तो हुण तुसीं ये स्पष्ट कहने हो कि आने वाले समय के मोदी सरकार आएगी भी नहीं और तुसीं चाहते भी नहीं? नहीं 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 आएगी तो मेरी बात, एक बार आएगी तो दोबारा इसकी चांस भी नहीं मिलेगी लाइफ के बीच में ऑनलाइन। फिर तुसीं किनूं चाहते हो, अगर मोदी ने बहुत लोग कहते मोदी ने बहुत सारे काम किए, चाहता हूँ ना मैं चाहता हूँ मोदी को, बहुत लोग कहते हैं मोदी ने बहुत कुछ किया भी है, मेरे को एक बताओ तो ना, आप किसको चाहते हैं, किसको चाहते हैं मेरे को भी तीसरा थर्ड बने ना, तो कांग्रेस बने ना बने, नहीं चेहरा चाहते हम, जो वही आए नहीं को काम करने का मौका दे तो उसको बता देंगे पप्पू है, अरे जिस के विदेश में पढ़ के आया है जो वो पप्पू हो गया, तू हिंदुस्तान में पढ़ के वो आरएसएस में जाके वहाँ जाके झूठे भाषण दो के रोटी पका के खा के तू प्राइम मिनिस्टर बन के झाड़ू वो गिलास दो के चाय बना के चाय पिला के, तेरे को इतनी नॉलेज आएगी, जो साला जन्म से ही विदेश में पढ़ के आया उसको नॉलेज नहीं है, उसको पप्पू बोल दिया तेरी, अभी तू आ जाना क्वालिफिकेशन में पढ़ाई। ऑटो वालों के बारे में बताओ, अगर आप ऑटो चलाते हैं आपको ज़्यादा जानकारी होगी, चलो हम आज अगर ऑटो वाले की बात करें तो 5 साल में ऑटो वालों को क्या प्रॉब्लम है? ये एक इन्होंने चलाई थी कहती प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना, अल किसी को आवास मिलो तो मेरे को दिखा दे, एक वाजपेयी ने चंडीगढ़ में किसी को आवास दे दियो, ठीक है ना, भैया लोग बहुत मेहरबान है उन पर, जो भैया यहाँ के बहुत मेहरबान है, उनको ये पूछा जाए अरे तुम बिहार से ही आए, तेरे बिहार में क्यों नहीं कंपनियाँ लगा दी उसने, तेरे को इतनी दूर चंडीगढ़ आके कमाने का फायदा क्या है, तू बिहार में कमाना इतना लगा, तू वोट ले रहा है भैया को यहाँ, उसको दिखा के पब्लिसिटी स्टार्ट करा के तू जाके बिहार में देना काम, यहाँ क्यों दे रहा है, यहाँ आके भैया कहता जी भाजपा ठीक है मोदी ठीक है, अरे मोदी तेरे को बिहार में बोलने से लगाएगा, अरे यहाँ तू खड़ा है, तू यहाँ खड़ के खा रहा है, यहाँ भी तरह से जगह खोस रहे हो, ठीक है ना, एक गरीब बंदा जाएगा कहाँ ये बताओ ना, मोदी नहीं खिलाएगा, करके खाना पड़ेगा, वो वोट लेने की वोट की राजनीति करते हैं, किरण खेड़ खड़ा दी, किरण खेड़ ने आके पूछा कभी यहाँ ऑटो वाला से क्या हुआ, कभी कभी नहीं, अभी तक एक बार ही बताते जो उनसे भाजपा के कैंडिडेट हो सामने आके बात करें मेरे साथ डिबेट करें, मैं तो ये कहता हूँ अगर लाइन में कभी मौका मिले मेरे को सुमित पात्रा से डिबेट करनी है फेस टू फेस, अगर कहीं चांस मिल जाए ना मैं साले को उसको मैं बताऊँ थप्पड़ मार के पहले। सुमित पात्रा जो भाजपा के स्पोक्समैन, उन्होंने एक ऑटो वाले का चैलेंज है कि सुमित पात्रा कदे आके सामने लोगों के सामने उन्होंने डिबेट करन, तुसीं सुमित पात्रा नूं चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल चैलेंज करता हूँ, इंसान नहीं आओ इंसान के बेस में भेड़ जाओ, ठीक है ना, सीधे कह देगा मुल्ले मुल्ले तमीज होने चाहिए बोलने की, भाई यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐ मोदी जी कहते हैं किसी भी वो छिटा देते मोदी जी को खुला कहना कि सांड होता है ना, सांड ही होता हो वो, किसी का भी कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, उस पर नहीं लगाना चाहिए, क्यों वो दूध का दुला होता है, कहीं है ना इतिहास सुनाते हैं जी मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं 1947 की पाकिस्तान की, ठीक है जी, और तो मैं बताऊँ 71 की 61 की पानीपत की, अच्छा एक और महाराणा प्रताप की तरह दिल्ली की बहुत लड़ाई है अंग्रेजों से मद्रास तक कट दिए उसने, ऐसे बंदे पर इतिहास सुना दे, इतिहास नहीं है, आज के टाइम में लाइव चलता है, जो भी चलता है रियलिटी चलती है, डेमो चलता है, इतिहास नहीं चलता, एक बार आपने कर दिया आप उसको 20 बार सुनाओगे, बंदे का दिमाग हाइकिंग कर रहे ना, सिर्फ उसको दबाव में प्रेशर में ले रहे हो 4 बंदों को, भाई हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया, क्या कर दिया यार, अपने लिए किया होगा, खैर वक्रे वक्रे सारे दे अपनी अपनी सोच विचारधारा होंगी है, तुम जो भी अपने मोदी जी बारे दसिया असी तुहाडे जज्बे नूं सलाम करते हैं, तुहानूं एक ऑटो वाला होकर तुम एक बहुत वधिया मेहनत करके एक चंगी नॉलेज रख दिओ, तो असी संबित पात्रा तक कोशिश करेंगे तुहाडा मैसेज पहुँचाउण दी कि तुसी जाके उन्हां दा दस्सो जी उज्जवल योजना जनधनीय योजना राकड़ा क्या हुंदा है, आंकड़ो तथ्यो बात करते हो ना, उनका मैनीफेस्टो जो कहना मैनीफेस्टो भी बात होगी ना, कहना चोरी हो मतलब कि रफेल की फाइल चोरी हो या तो मोदी है तो मुमकिन है ना, चौकीदार को ये नहीं पता मेरे मुंह धुलेगा नहीं धुलेगा, 12 घंटे की ड्यूटी करके आए, 6 घंटे उसको सोने के नहीं मिले, 4 घंटे उन्हें खाना खुना बनाने में बैठने उठने में काट दिए, सवेरे फेरो कल्लू का बैल बन के खड़ गया, मोदी जी वहाँ बैठे बैठे कुर्सी भी कह रहे जी मैं चौकीदार, अरे कैसे चौकीदार हो यार आप।